फिर स्टार्ट। यहां पर हमारे पास कुछ सामग्री है जिससे हम कुल मिलाकर की है पूरा का पूरा जो गन है वो तैयार करने वाले हैं। तो दिवाली आने वाली हो, आप जानते हो कि मार्केट के अंदर जो पटाखे होते हैं वो कितने ज्यादा महंगे होते हैं, खास करके जो सुतली बम जो आवाज करके भ्राम से फटते हैं वो तो और भी ज्यादा महंगे होते हैं, और एक बार फटेगा तो बस काम खत्म। और मिलते कितने का है, तो बड़े बड़े जो सुतली बम मिलते हैं वो लगभग लगभग 100-150 रुपए का मिलेंगे, और एक बार फटेगा वो काम खत्म। तो सुतली बम से भी भयंकर आवाज देने वाला हम लोग एक गन बनाने वाले हैं जिसको बोलते हैं कैल्शियम कार्बाइड गन, और अलग अलग जगह पर जाहिर सी बात है गन भी बोलते हैं। ये देखो कैल्शियम कार्बाइड है, और ये कैल्शियम कार्बाइड दिखाता हूं मत घबराओ। तो ये कैल्शियम कार्बाइड है, और ये जब वाटर के साथ केवल पानी के साथ जब रिएक्ट करता है तो बनाता है एसिटिलीन गैस, विच इज वेरी 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 फ्लेमेबल, जो कि बहुत ज्यादा ज्वलनशील होता है। थोड़ा सा केवल आप जाहिर सी बात है कि आग पकड़ाओगे और बंग से वो जल जाता है। तो यहां पर हमारे पास कुछ सामग्री है जिससे हम कुल मिलाकर की है पूरा का पूरा जो गन है वो तैयार करने वाले हैं। तो देखो आपको सामान क्या क्या चाहिए। पहली बात कि आपको 2 इंच मुंह वाला, इसका मुंह कितना है 2 इंच, 2 इंच मुंह वाला 2 फीट का पाइप चाहिए, और ये 3 इंच मुंह वाला कितने फीट का पाइप, तो जाहिर सी बात है इसका मुंह कितने इंच का है 3 इंच का है, और 3 इंच का मुंह वाला कितने फीट का पाइप चाहिए, तो जाहिर सी बात है कितना 1 फीट का पाइप चाहिए, और जाहिर सी बात है दोनों को ये 2x3 3x2 कनेक्टर चाहिए, मतलब 3x2, यानी इसका ये 3 इंच है और ये कितना है बेटा तो 2 इंच है। तो कुल मिलाकर के अब करना क्या होता है, तो आप इसको ऐसे कनेक्ट कर दोगे, ये इसमें देखो ऐसे कनेक्ट कर देना है, और इस चीज को जाहिर सी बात है कि पीछे से ऐसे कनेक्ट कर देना है, तो ये ऐसे कनेक्ट हो जाएगा, और बस ये ऐसे कनेक्ट करना है। और यहां पर देखोगे कि इसके ये कुल मिलाकर के एक कैप भी मिलेगा, जो कि कैप का जो ये मुंह है 3 इंची का है, और 3 इंची मुंह वाला जो कैप है उसको ऐसे कनेक्ट कर देना है। तो ये कुल मिलाकर के ऐसे, अब ऐसे केवल ऐसा नहीं केवल लगा दिया ऐसा, अब इसको गोंद से प्रॉपरली तरीके से चिपकाना पड़ेगा, तो ऐसे ही और अच्छे ढंग से ज्यादा गोंद लगा करके चिपकाना है इसको। तो मैं चिपका लेता हूं, चलो देख लो ऐसे ही चिपकाना है आपको, ये देख लो क्या दिख रहा है, तो ये ऐसे इस तरीके से चिपकाना है आपको, ये बातें समझ में आ गई। तो चलो आगे मैं इसको चिपका लेता हूं, फिर भड़म 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 बम फोड़ते हैं। चलो जी एक ग्लू भी ले लेना, तब तो चिपकाओगे इसको, तो मार्केट से ये वाला ग्लू खरीद लेना, और यहां पर एक ऐसा लाइटर भी चाहिए आपको, समझ गए, तो इसको भी फिक्स सब मैं फिक्स कर लेता हूं, तब आपको दिखाता हूं कि ये कैसा दिखता है, ठीक है। तो हम लोगों का कार्यक्रम ये पूरा हुआ, हमने एक एक जगह पर अच्छे तरीके से ये वाला गोंद लगा करके ये पूरा का पूरा चिपका लिया। तो देख लो ये वाला यहां पर कैप पीछे रहेगा, यहां पर जाहिर सी बात है जो कनेक्टर है यहां पर ये चिपका दिया है, और ये पूरा का पूरा चिपक गया। अब यहां पर देखो अगला, यहां पर आपको एक छेद करना है जाहिर सी बात है, और छेद करके इस लाइटर को डालना है। देखो इस ये छेद तो मैंने एक खराब घर पर पड़ा हुआ लाइटर था उसी को गर्म करके जाहिर सी बात है कैसे डाल दिया था, लेकिन दिक्कत क्या हो गई, ठीक है ये टाइट होना चाहिए था लाइटर यहां पर, लेकिन जाहिर सी बात है कि ये थोड़ा टाइट नहीं हुआ, तो मैंने यहां पर देखो टेप लगा दिया है ताकि ये यहां पर जाकर के ऐसे बैठ जाए और ऐसे ये काम करे। कुल मिलाकर बातें समझ में आ रहा है, क्योंकि इसके अंदर जब मैं कैल्शियम कार्बाइड को डालूंगा तो जो एसिटिलीन गैस बनेगा उसको जलाने के लिए हमें एक स्पार्क तो चाहिए, तो इसीलिए हम इस जाहिर सी बात है लाइटर का यूज करेंगे, ताकि इसके इसका जो स्पार्क है उससे आग मिल जाए भैया इसको, और ब्राम जले। चलो अब बाहर चलो फोड़ के दिखते हैं यार, मतलब बहुत ज्यादा देर हो गया, वी आर सो एक्साइटेड। चलो तो ये देखो मेरे पास है कैल्शियम कार्बाइड है, और ये मार्केट में आपको बहुत ही इजीली सस्ते दामों पर मिल जाएगा, लगभग लगभग मैंने लिया था 170 रुपए का आधा केजी दे दिया था, तो बहुत ज्यादा आ जाता है। मैंने कई बार इसमें से यूज कर लिया है, तो जाहिर सी बात है उसके 1-2 टुकड़े मैं निकाल लेता हूँ इस तरीके से, 1-2 टुकड़े में इस तरीके से निकाल लेता हूं, और ये रहा कैल्शियम कार्बाइड। अब कुल मिलाकर के अपने गन को निकालते हैं, और पानी भी रख लेना है ये याद रखना। तो ये रहा कैल्शियम कार्बाइड, और ये रहा कार्बाइड गन, और इसके अंदर इधर से ही आपको क्या कर लेना है, डाल लेना है, और जाहिर सी बात है इसमें थोड़ा सा पानी आपको डालना है, अधिक नहीं थोड़ा सा पानी, और जैसे ही कैल्शियम कार्बाइड वाटर के साथ रिएक्ट करेगा तो वो एसिटिलीन गैस बनाना चालू कर देगा, फिर उसको बस एक चीज की जरूरत पड़ेगी, वो है केवल स्पार्क यानी आग, तो आग के लिए हमारे पास सही है। और चलो अब फोड़ते हैं थोड़ा सा पानी, और ये गैस बनाना चालू कर दिया है, और 1 से 2 सेकेंड यहां पर रुकना है, और ये फोड़ना है
मजेदार। और ये फिर इसके अंदर से कैल्शियम कार्बाइड के कुछ टुकड़े फिर से निकल जाएंगे, तो फिर सो आप उसको यूज कर सकते हो। ये बहुत ही ज्यादा गर्म होता है क्योंकि वाटर के साथ रिएक्ट करने पर एक्सोथर्मिक रिएक्शन हालांकि जाहिर सी बात है करता है, तो बहुत ही ज्यादा गर्म हो जाता है। और ये तो ये कुल मिलाकर के यहां रख देते हैं, फिर से इसको आप यूज कर सकते हो, ऐसी बातें नहीं है। पूरा मां कसम घर हिला दिया यार।